तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? गैजेट्स रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ आईटेल का P55 5G स्मार्टफोन। बजट स्मार्टफोन है, 12 GB रैम के साथ आने वाला स्मार्टफोन है। P55 आईटेल का ये पहला स्मार्टफोन है जो कि 5G स्मार्टफोन है। तो चलो इसका अनबॉक्स करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसका लुक कैसा होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो करते हैं इसका अनबॉक्स। तो करते हैं चलो फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग। P55 बॉक्स कुछ इस तरह से आपको दिखाया मैंने। आईटेल लिखा हुआ है इस पर, अपग्रेडेड वारंटी 2 ईयर्स का दिया हुआ है, जैसे कि मतलब कंपनी के 1 साल का वारंटी देती है। अगर आप 1 साल और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। और इधर लिखा हुआ है 12 GB रैम और 128 GB रोम। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और इधर फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दे दिया हुआ है कंपनी ने। ये आईटेल की बहुत अच्छी बात है कि एक बार कंपनी फ्री रिप्लेसमेंट भी देती है स्क्रीन का। और अगर मैं इसके डब्बे के पीछे अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी ये मैंने अभी खोला नहीं है इसको, इसमें लिखा हुआ है 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि ए रेट में काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि 5G फ़ोन है। सब कुछ तो कंपनी नहीं दे सकती। 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दे दिया हुआ है। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो 50MP का ड्यूअल कैमरा है, जो कि मैं आपको ये फोन खोलने के बाद उसका डिटेल दे दूंगा किस तरह से। सेल्फी कैमरा 8MP है और 5000mAh का बैटरी और 18W का चार्जर भी दे दिया हुआ है। साइड फिंगरप्रिंट मिल जाने वाला है अपने को। और इसमें कंपनी और भी कुछ डिटेल देती है जो कि मैं आपको फ़ोन खोलने के बाद इसमें समझा देता हूँ। प्रोसेसर की भी इधर दे दिया हुआ है, प्रोसेसर मीडियाटेक का Dimensity 6080 का है। तो चलो इसको पहले हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला है हमको। मोबाइल काफ़ी बढ़िया है, बजट स्मार्टफोन है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। तो देखते हैं इस तरह से फ़ोन होने वाला है। अनबॉक्सिंग कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे हैं इसका। तो देखो मैंने चारों तरफ से तो निकाल दिया है, ये पन्नी है। चारों तरफ से निकालने के बाद इसको खोलते हैं। ओह, कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर को साइड में रखते हैं। इसमें मोबाइल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कवर है मोबाइल, इसके नीचे इसमें लिखा हुआ है बॉर्न फास्टर P55 5G। एक केबल होगा, केबल मिल जाएगा आपको। चार्जर भी देख लेते हैं, थोड़ा हार्ड है निकालने में, निकल गया। सिम पिन का भी जगह बना दिया है, चार्जर का भी जगह बना दिया है। खोल के देख लेते हैं चार्जर कैसा है। 18W का चार्जर है, हाँ ठीक है, 18W का चार्जर ही है, जो कि काफ़ी सारे फ़ोन में आईटेल के ऐसे ही आता है। टेक्नो का भी चार्जर ऐसे ही दिखता है, आईटेल का भी ऐसा है। इसका मेन कॉम्पिटिटर तो टेक्नो ही होने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं अभी इसका फ़ोन। तो ऋतिक रोशन का फोटो लगा हुआ है पीछे से कुछ इस तरह से। खोल के भी मैं दिखा देता हूँ। वाह, ये कुछ इस तरह से फ़ोन है। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बड़ा सा 50MP का कैमरा दिया हुआ है, नीचे एक छोटा सा कैमरा दिया हुआ है, माइक्रो लेंस बोल सकते हैं, एक सेल्फी फ्लैश लाइट है, 5G इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 50MP AI कैमरा, सुपर कैमरा लिखा हुआ है। और कुछ इस तरह से मिंट कलर है मेरे पास, मिंट ग्रीन कलर है ये। और साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा आपको। थोड़ा क्लियर करता हूँ कैमरे को पहले, ये सबको साइड। और कुछ है क्या डब्बे में? खाली है, तो ये सबको मैं साइड में कर देता हूँ। ये चार्जर को ऊपर रख देते हैं, ये ऋतिक रोशन भाई को इधर। और ये कवर भी देख लेते हैं, कवर इसमें आपको कैसा मिलने वाला है। देखो अनबॉक्सिंग के वीडियो ज़्यादातर मैं बनाता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा देख लेना किस तरह से। ये VIP ऑफर है, आईटेल स्मार्टफोन 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट विद इन 100 डेज। 100 दिन के अंदर अगर टूट फूट गया तो फेंक जाने का सर्विस सेंटर पे, कंपनी नया बना के दे देती है, ऐसा कंपनी बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है। बड़ा कमजोर सा कवर है, चलो कोई नहीं, कंपनी फ्री तो दे रही है, कोई बात नहीं, फ्री तो दे रही है। चलो कवर भी साइड में रख देता हूँ, ये दोनों को ये सब रखते हैं साइड में। ये VIP पास को भी रखते हैं साइड में और देखते हैं मोबाइल को स्टार्ट करके।
तो ये आईटेल लिखा हुआ आ गया है। काफी बढ़िया फोन है, इस प्राइस रेंज में हमको 12 GB रैम, 12 GB तो नहीं है इसके अंदर, पर रैम कुछ इस तरह से कि रैम एक्सटेंडेड हो सकता है इसमें। मतलब मेरा ये जो मॉडल है वो कुछ 6 GB रैम वाला है, तो 6 + 6 = 12 GB हो जाएगा। ये 6 GB रैम है और 128 GB का इसमें इंटरनल स्टोरेज है। कुछ चालू कर देता हूँ, कुछ सेटिंग आती है जो करनी ज़रूरी होती है, तो फटाफट से इसको मैं ऑन कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर का मेनू मिलने वाला है। तो ये चालू हो चुका है फोन, तो कुछ इस तरह से इसका स्क्रीन है। लाइट फुल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट भी फुल कर देंगे हम लोग इसका। अच्छा रिस्पॉन्स है, टच ठीक है, टच भी बढ़िया है। और सिस्टम में जाके हम लोग देखते हैं और क्या हमको मिलने वाला है। सिस्टम अपडेट आएगा बाद में, आ सकता है। नेविगेशन है और जो इसमें हम लोग देखना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से है। स्टोरेज की बात करो तो स्टोरेज इसमें दिखा देगा 128, 16 GB का रैम है। तो रैम तो इसमें सिस्टम में ही आ जाता है। अबाउट माई फोन में जाएंगे, आईटेल P55 आपको इसमें दिखा देता हूँ और क्या क्या है इसमें। अभी तक लगता है सिम डाला नहीं है इसलिए मैंने कुछ आ नहीं रहा है, अब आया। आईटेल का मॉडल ये उसका डिमेंसिटी 6080 का है, 50 का कैमरा। ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताया मेमोरी फ्यूज़न का 6+4 है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो 6+6, मतलब टोटल 12 GB रैम जो कि डब्बे पे ऊपर लिखा हुआ है। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस कुछ होने वाली है 9000 से लेके 10000 के बीच में। 4 GB रैम वेरिएंट आता है और एक 4 GB का वेरिएंट आता है और 6 GB का वेरिएंट आता है। दोनों वेरिएंट काफ़ी बढ़िया है क्योंकि 5G स्मार्टफोन है, तो इस प्राइस रेंज में आपको और कौन सी कंपनी आता है, और कंपनी आता है। हाँ, मेरे पास और एक फ़ोन है जिसका मैं आपको इसके साथ कंपैरिजन करा सकता हूँ, वो है नार्जो का 60X 5G, जो कि कुछ इस तरह से। मैं इसका भी अनबॉक्स आपको एक ही वीडियो में दोनों का अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले देखा हुआ है। तो दोनों के लुक में आप देख सकते हो क्या डिफरेंट है। ये कुछ इस तरह से दिखता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो दोनों का लुक काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्राइस रेंज में दोनों का प्राइस मतलब कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ 500 रुपये का कुछ अंतर है। ये नार्जो 60X जो आता है वो 4128 आता है, जिसकी कीमत कुछ 11500 है, और ये P55 5G 6128 में आपको 11000 में मिलता है। तो कुछ ऐसी है इसकी प्राइस। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको अगर ख़रीदना हो तो आप आईटेल का ख़रीदोगे या रियलमी का ये नार्जो मॉडल ख़रीदोगे। मैंने आपको इसका भी वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो हो सकता है आपने पहले देखा हो ना देखा हो, मैं मेरी चैनल पे इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी डाल दूँगा। पर मैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 5G फ़ोन बहुत ही अच्छा है। 500 रुपये का भी एक अंतर होता है, तो 500 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हो। आप बजट अगर ज़्यादा हो तो नार्जो का भी खरीद सकते हो। इसमें आपको वॉट चार्जर जो वॉट आता है वो ज़्यादा आता है, इसमें कुछ 33 वॉट का चार्जर मिलता है आपको, और इसके अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अगर ख़रीदना चाहते हो, आपके पास अगर 11500 का बजट हो तो आप कौन सा फ़ोन खरीदोगे। तो चलो ये था आईटेल का P55 का कुछ रिव्यू कहेंगे या क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।